संघ को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, कहा जितने भी हिंदू धर्म के आतंकी पकड़े गए सब आरएसएस से जुड़े थे। दिग्विजय सिंह ने कहा संघ की विचारधारा नफरत फैलाती है, इसी नफरत से हिंसा भड़कती है। दिग्विजय सिंह ने कहा महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे ने की थी और नाथूराम गोडसे भी संघ से जुड़ा हुआ था। 25 जून को ब्लैक डे मनाएगी बीजेपी, 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई थी। पीएम मोदी से मिले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, SYL और पंजाब के कई अहम मुद्दों पर बातचीत। 2019 के लिए माहौल के हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी, सूत्रों के मुताबिक इस बार 40 से 55% मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस कोर ग्रुप के नेताओं को मोदी और शाह के साथ हुई बैठक, संघ के फीडबैक के बाद कुछ मंत्रियों के कट सकते हैं टिकट। बैठक में महागठबंधन और एंटी इनकम्बेंसी से 70 से 80 सीटों का नुकसान होने की चर्चा, कई सांसदों के गलत आचरण पर पार्टी ने जताई चिंता। बीजेपी आरएसएस ने यूपी में 25 से 30 सीटों के नुकसान का आकलन किया, महागठबंधन को बताया वजह। सीटों की भरपाई के लिए छोटे दलों से गठबंधन पर चर्चा, उड़ीसा के अलावा दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट में फोकस करने की रणनीति बनी। केजरीवाल के धरने पर दिल्ली हाईकोर्ट में अब 22 जून को होगी सुनवाई, 3 याचिकाओं पर धरना खत्म कर काम पर लौटने का आदेश देने की मांग। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा एजी हाउस में किसकी इजाजत से धरने पर बैठे केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएएस एसोसिएशन को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया, आईएएस की हड़ताल पर सही जानकारी मांगी। धरने पर बैठे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, स्ट्रेचर पर एलजी हाउस से अस्पताल शिफ्ट किया गया। एलएनजेपी में भर्ती दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत पहले से बेहतर, एलजी हाउस से अस्पताल पहुंचाया गया था। दिल्ली सचिवालय पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, आईएएस अधिकारी और बीजेपी नेताओं से बात की। अजमाकर ने कहा केजरीवाल सरकार बेनकाब हो गई, विपक्ष का काम सरकार करेगी तो सरकार का काम कौन करेगा। केजरीवाल के समर्थन में उतरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल से की बात, कहा बहुमत के साथ आई पार्टी को अधिकार मिलने चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता सुखपाल सिंह खेहरा का रेफरेंडम 2020 पर दिए गए बयान पर दर्ज होगा केस, सबूत मिलने पर पंजाब सरकार करेगी कार्रवाई।